नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बड़े पर्दे पर खलनायक का किरदार निभाने वाले सोनू सूद असल जिंदगी में हर किसी के लिए रियल हीरो बन गए। आज बॉलीवुड में भी जिस एक्टर की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि सोनू सूद है। कोरोना महामारी की शुरुआत से ही सोनू सूद गरीबों और जरूरतमंदों के मसीहा बनकर सामने आए। तब से लेकर अब तक सोनू सूद लाखों लोगों की मदद कर चुके हैं। जिस तरह से एक्टर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं उन्हें देखकर और भी कई लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं और मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी बीच सोनू सूद से प्रेरणा लेकर तूतक तूतक तूतिया जैसी फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर रह चुके फिल्म मेकर अजय धामा भी कोरोना प्रभावित लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान अजय धामा ने कहा कि लोगों की मदद करने के लिए उन्हें सोनू सूद से प्रेरणा मिली। अजय धामा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सोनू ने मुझे प्रेरित किया और इसे हासिल करने में मेरी मदद भी की। पिछले कई महीनों में जब हम कोरोना राहत के लिए काम कर रहे थे हमने देखा कि लोगों की जिंदगी कितनी कठिन हो गई, खासकर हमारे देश के अंदरूनी इलाकों और दूर दराज के गांवों में। मेरा एकमात्र मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जिनको मदद की जरूरत है और सोनू सूद जो काम कर रहे हैं उसमें और तेजी लाना है। बता दें कि अजय धामा कोरोना काल के दौरान राहत कार्य में लगे लोगों की मदद कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मेडिकल सुविधाएं प्रदान करने के लिए वो आगे बढ़े। उन्होंने यूपी के बागपत, शामली और हरियाणा के कुछ इलाकों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, N95 मास्क, डिजिटल थर्मामीटर, रबर हैंड ग्लव्स और दवाइयों वाली किट भेजी थी। अजय धामा लगातार सोनू की मदद कर रहे हैं। उनका मकसद देश के उन दूर दराज वाले गाँव तक पहुँचना है जहाँ मेडिकल सुविधाएं नहीं। बता दें कि कई लोग तो सोनू सूद के सूद फाउंडेशन में पैसे भी डोनेट कर रहे हैं। हाल ही में एक कपल ने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर 10,000 रुपए सूद फाउंडेशन में डोनेट किए थे। वहीं कुछ दिनों पहले एक दिव्यांग महिला ने भी अपने 5 महीने की पेंशन सोनू सूद को दान में दे दी ताकि वो लोगों की इससे मदद कर सके। इसके अलावा राजस्थान की 2 छोटी बच्चियों ने भी अपने गुल्लक के सारे पैसे सूद फाउंडेशन में दान किए थे। कहना गलत नहीं होगा कि कई लोग सोनू सूद से प्रेरित होकर मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बताते चले कि सोनू सूद तो पिछले साल से ही मदद के लिए आ गया है और अब तो लोग मदद मांगने एक्टर के घर भी पहुंच रहे हैं। कोई नौकरी के लिए एक्टर से मदद की गुहार लगाने के लिए आता था तो कोई दवाइयां मांगने सोनू के पास आता है। वही चलिए जाते जाते दिखाते हैं आपको ऐसा ही एक वीडियो। वहां से एंट्री आएगी ना। कहाँ पे इधर इलाज चल रहा है? लुधियाना निकल रहा है इंडिया से। लुधियाना, लुधियाना सीएससी अस्पताल। आप क्या दिक्कत है? सर एक ऑपरेशन करवाना है। क्या बोलते हैं डॉक्टर? कह रहे हैं 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी तक 8 ऑपरेशन। हाँ, क्या कर रहे तेरे पापा? मम्मी नहीं। पापा? पापा या पापा नहीं। कहाँ रहते? मैं सर लुधियाना से आया। कैसे? नंबर अपना लिख दिया, मैं बात कराता हूँ। बात कराता हूँ देखो प्रॉब्लम क्या। देखो सर नहीं छूट गए थे मेरे खाने वाले। 8 ऑपरेशन हो चुके 2016 से। 2016 से 8 ऑपरेशन हो चुके और मैंने सर अगर ऊपर बोले